वेलकम गाइस चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसके लिए कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी हो सकती है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। पिछली बार कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी ली गई थी, तो क्योंकि आपको पता है पिछली बार जिस कैंडिडेट के कम से कम नंबर थे, लो से लो स्कोर था, वो भी कैंडिडेट क्या है ट्रेनिंग कर रहा है इस समय। तो कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी थी पिछली बार और इस बार कितनी वैकेंसी होगी, और कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है जब वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में होंगी तो आपकी जो कट ऑफ है कम जाएगी, और जो वैकेंसी आपकी कम होंगी तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो जितना भी आंकड़ा है मेरे पास, पिछली आपका जो इनटेक हुआ था फर्स्ट इनटेक 2021 का, उसका सब कुछ आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, उस बार कितनी वैकेंसी हो सकती है उसी के बेस पर आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा। कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपके लिए इससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी है वाई ग्रुप के लिए। तो आप यहाँ से देखें, तो सबसे पहले आप इस डाटा को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले आप इस डाटा को समझ जाएंगे तो सब कुछ मैं विद प्रूफ आपको क्रम वाइज क्रम PDF दिखाऊंगा कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था, और ये रही उसकी PDF, ये रहा उसका प्रूफ, और ये रही उसकी वैकेंसी, कुल मिलाकर इतनी वैकेंसी ली गई थी और इसकी कट ऑफ इतनी गई थी। तो कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं जो इस बार का जो बैलेंस हो रहा है आपका अनबैलेंस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि आपको पता है 31 अक्टूबर को PSL रिलीज़ करता है फर्स्ट इनटेक के लिए, वहीं सेकेंड इनटेक के लिए 30 अप्रैल को रिलीज़ करता है, लेकिन क्या था कोरोना था, कोरोना की वजह से जितना भी प्रोसेस था कहीं ना कहीं वह लेट हुआ, और उस वजह से आपका जो अक्टूबर में रिलीज़ होना था PSL 31 अक्टूबर को, और दिसंबर 10 दिसंबर को आपका एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना था, लेकिन सब कुछ आपका क्रम वाइज नहीं हो पाया था केवल COVID-19 पेंडेमिक की वजह से। तो आज हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट इनटेक था 2021 का, उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी वह 25 जनवरी को आई थी, उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी 25 जनवरी को आई थी, जबकि 15 जनवरी को आपकी PSL रिलीज हुई थी, तो उसके 10 दिन बाद आपकी क्या आई थी एनरोलमेंट लिस्ट। तो सब कुछ आप यहाँ से क्रम वाइज समझने की कोशिश करें किस तरीके से प्रोसेस रहा था पिछली बार का, तो उसी बेस पर बात करेंगे कि इस बार कितनी वैकेंसी हो सकती है आपका वाई ग्रुप के लिए। सबसे पहले हम वाई ग्रुप पर बात करेंगे, इसके बाद हम एक्स ग्रुप पर चलेंगे। तो आप यहाँ से देखें, ऑटो टेक के लिए कुल मिलाकर जो आपकी जब 25 जनवरी को एनरोलमेंट लिस्ट आई, तो ऑटो टेक की जो PDF आई थी उसमें कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें के 50 कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे। इस बार क्या था कि देखिए, जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई थी सबसे अच्छी बात यही देखने को मिली थी, स्टैंड बाई में बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट रखे गए थे, बिल्कुल ना के बराबर कैंडिडेट आपका स्टैंड बाई में रखे गए थे, ज़्यादातर जो कैंडिडेट रखे गए थे मेन में ही रखे गए। तो आप यहाँ से देखें, ऑटो टैक में जो आपका ऑटो टैक था बैच वाई ग्रुप का, उसमें कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, वहीं आपका जो मेडिकल असिस्टेंट होता है वाई ग्रुप का, उसमें कुल मिलाकर 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जो कि सभी कैंडिडेट मेन में रखे गए। तो आप यहां से इस माइंड में अपने बात को इसको नोटिस करते चलें किस तरीके से प्रोसेस रहा था। वहीं आपका एक्सेप्ट ऑटो के लिए जो आपका IAF पुलिस होती है, उसमें कुल मिलाकर 640 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। देखिए, इनकी यह 3-4 PDF हैं, कुल मिलाकर मैं 3 PDF आपको क्रम वाइज क्रम दिखाऊँगा, 3 के विषय में आपको बता चुका हूँ। अब चौथे नंबर पर चलते हैं, आपका जो IAF सिक्योरिटी वाले होते हैं, उसमें कुल मिलाकर 100 कैंडिडेट का नाम आया था, और सभी कैंडिडेट मेन में ही रखे गए थे। तो कुल मिलाकर जब आपकी 25, देखिए मेन में इस बात को नोट करें, 25 जनवरी को एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई इंडियन एयरफोर्स द्वारा, तो उसमें वाई ग्रुप था, उसमें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 1530 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए, चाहे आपका एक्सेप्ट ऑटो वाले हों, चाहे आपका मेडिकल असिस्टेंट वाले हों। क्रम वाइज मैंने आपको दिखा भी दिया है कि असिस्टेंट के लिए कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, वहीं आपका IAF जो पुलिस था उसके लिए कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, वहीं आपका जो स्टैंड बाई था स्टैंड बाई में कुल मिलाकर 50 कैंडिडेट रखे गए थे, और इनका भी स्टैंड बाई पूरी तरीके से अपना स्टैंड बाई को क्लियर कर गए थे। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से इन्होंने अपना स्टैंड बाई क्लियर किया था। तो कुल मिलाकर 1530 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे और उनका सभी का सिलेक्शन हो गया था। तो ये रहा कुल मिलाकर 25 जनवरी का डाटा, 25 जनवरी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो क्योंकि आपको पता है जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फिल करने के लिए दोबारा से एक एडिशनल एनरोलमेंट निकालता है इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरीके से उनको फॉलो करते हुए देखिए, इस बार पहली बार हुआ था। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाती है, और ज़्यादातर उसमें निल कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, निल कैंडिडेट का डाटा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा प्रोसेस चेंज हुआ, और उसी को देखते हुए देखिए 1530 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और देखिए किस तरीके से वैकेंसी बढ़ती जा रही है, मैं आपको दिखाऊँगा।
तो आप यहाँ से देखें, जब आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई 25 फरवरी को, जस्ट एक मंथ बाद, तो उसमें कुल मिलाकर आईएफ जो सिक्योरिटी वाले कैंडिडेट, उसमें 84 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। आप यहां से देखें 84 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और सभी कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे। और जबकि आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें कुल मिलाकर आपका जो आईएफ सिक्योरिटी वाले कैंडिडेट रहे 100 कैंडिडेट रखे गए थे, और सभी मेन में रखे गए थे। लेकिन जब आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई, 84 कैंडिडेट रखे गए थे, लेकिन सभी कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे। आप यहाँ से आगे देखें, जो मेडिकल असिस्टेंट था, उसमें कुल मिलाकर 74 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, सभी कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे। वहीं आपका जो एक्सेप्ट ऑटो था, उसमें आपका जो वाई ग्रुप पुलिस वाला कैंडिडेट था, उसमें कुल मिलाकर 391 कैंडिडेट रखे गए थे, 391 कैंडिडेट रखे गए थे, सभी कैंडिडेट मेन में ही रखे गए थे। तो आप यहाँ से देखें, एनरोलमेंट लिस्ट और आपका जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है, उसमें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, वह 1914 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। आप यहां से देखें 1914 कैंडिडेट, और 1914 कैंडिडेट या मेन वाले कैंडिडेट ने इतने कैंडिडेट क्या था कि क्लियर कर गए थे, 1914 कैंडिडेट कुल मिलाकर अपना जो वैकेंसी क्या था कि अपना ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, और उसमें कुल मिलाकर 156 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि स्टैंड बाई में रखे गए थे। तो आप यहाँ से, मैंने ऊपर आपको बताया था जो 50 कैंडिडेट इसे एक्सेप्ट ऑटो में रखे गए थे, उनका स्टैंड बाई क्लियर हो गया था। तो आप यहाँ से देखें किस तरीके से उनका जो स्टैंड बाई तक क्लियर हुआ था। देखिए, जो आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी ऑटो एक्सेप्ट इंडियन एयरफोर्स जो आपका पुलिस होता है, उसमें कुल मिलाकर 391 कैंडिडेट मेन में आए थे। और जब आपकी पहली एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी, जो मेन वाली होती है, उसमें कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तो जबकि उसमें 50 स्टैंड बाई में रखे गए थे। तो ये स्टैंड बाई क्लियर हो गया होगा उनका, तभी तो ये 391 कैंडिडेट क्या था कि मेन में रखे गए थे। तो ये तो सभी कैंडिडेट क्या था, जो 50 कैंडिडेट थे स्टैंड बाई में जो रखे गए थे एक्सेप्ट ऑटो इंडियन आपका जो पुलिस होता है एयरफोर्स वाला, तो उसमें सभी कैंडिडेट क्या था कि उनका स्टैंड बाई क्लियर हो गया था। तो कुल मिलाकर 1914 कैंडिडेट क्या था कि अब तक अपना वैकेंसी ले चुके थे, हम स्टैंड बाई को यहाँ से छोड़ चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टैंड बाई में कुल मिलाकर 84 आपका आईएफ सिक्योरिटी में, आपका मेडिकल असिस्टेंट में 74 कैंडिडेट रखे गए थे, इनको निकाल दिया जाए, तो ये प्रोसेस है कुल मिलाकर 1914 कैंडिडेट का। तो आप यहाँ से देखें, कुल मिलाकर जब आपकी एक और एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाती है इंडियन एयरफोर्स द्वारा 16 मार्च 2021 को, ये तीसरे नंबर की थी, आपकी पहली मेन वाली होती है, फिर उसके बाद आपकी 25 फरवरी को जारी की गई, इसके पश्चात आपका फिर से एक और 16 मार्च को जारी की गई, उसमें कुल मिलाकर 14 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 14 कैंडिडेट में से क्या था कि 8 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मेन में रखे गए थे, और जबकि 6 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कुल मिलाकर स्टैंड बाई में रखे गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 1914 कैंडिडेट तो पहले ही शॉर्टलिस्टेड किए जा चुके थे आपका 16 मार्च से ही पहले। तो 16 मार्च को एक और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जिसमें आपका 8 कैंडिडेट मेन में रखे गए। तो इस तरीके से मेन मेन वाले, ये देखिए जितनी वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स द्वारा ले ली गई थी मेन वाली, स्टैंड बाई में आपको देखिए, मैंने स्टैंड बाई यहाँ से निकाल दिया है। आप जब आप इस जब डाटा को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आप पाएंगे इसमें से स्टैंड बाई कैंडिडेट को मैंने निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर 1914 कैंडिडेट और 8 यहाँ से मेन कैंडिडेट वाले हो गए, तो कुल मिलाकर 1922 कैंडिडेट रहे थे जिन जो कि मेन वाले कैंडिडेट रहे थे, स्टैंड बाई को निकाल दिया जाए तो। और जबकि स्टैंड बाई देखें तो स्टैंड बाई आप यहाँ से देख सकते हैं, 156 कैंडिडेट, 156 कैंडिडेट कुल मिलाकर जो आपका जब आपकी 25 फरवरी को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें 156 कुल मिलाकर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। जब आपका 16 मार्च को एक और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की थी, तो उसमें कुल मिलाकर 6 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि स्टैंड बाई में रखे गए। तो आप यहां से जब इनको ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर पाएंगे 162 कैंडिडेट ऐसे दो के जो कि स्टैंड बाई में रखे गए थे, और जबकि 1922 कैंडिडेट पहले ही यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, जबकि 162 कैंडिडेट अलग हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं, कुल मिलाकर जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वाई ग्रुप में वैकेंसी ली गई थी, आपका 2000 प्लस ही वैकेंसी ली गई है इस बार। देखिए, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में, वो भी वाई ग्रुप के लिए, आपकी वैकेंसी ले ली जाएँ 2000 से ज़्यादा, और उसमें 2000 से ज़्यादा 1000 तो आपकी केवल और केवल आपका जो इंडियन एयरफोर्स ऑटो एक्सेप्ट ऑटो टैक होता है, आपका जो इंडियन एयरफोर्स जो पुलिस वाला होता है, उसमें केवल 1000 से ज़्यादा केवल और केवल इससे ही सेलेक्ट किए गए थे। तो जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से देखें, आपका एक्स ग्रुप के लिए होती हैं 2000 वैकेंसी, तो
लेकिन पिछली दर साल आपका साल दर साल जैसे जैसे आपका साल दर साल बढ़ रही है, उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहीं ना कहीं वैकेंसी में इजाफा करता रहा है। मैंने विद प्रूफ आपको दिखा भी दिया है कि इससे पहले जब आपका 2019-20 आपका जो प्रोसेस कराया गया था, 18 का प्रोसेस कराया गया था, तो मात्र वाई ग्रुप में जो वैकेंसी ली गई थी आपका 900 से 1200 वैकेंसी ली गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं डबल वैकेंसी हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कुल मिलाकर जो वाई ग्रुप में वैकेंसी होने वाली है इस बार 2000 प्लस ही होने वाली हैं। आप इस को अपने माइंड में नोट कर जाएं, 2000 प्लस ही होने वाली हैं, क्योंकि जब आपका फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए 2000 वैकेंसी ली गई है वाई ग्रुप के लिए, तो आपका कहीं ना कहीं इस इनटेक के लिए भी उतनी वैकेंसी होगी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि पिछले इनटेक में ज़्यादा भर्ती करा दें और इससे अगला जो इनटेक है उसमें कम भर्ती करा दें। कहीं ना कहीं आपकी 2000 प्लस ही वैकेंसी होने वाली है। आप यहां से इस बात को नोट कर जाएं। अब देखें विद प्रूफ, आप यहां से देखें मैंने जिस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बताया, आपका इंडियन एयरफोर्स का जो पुलिस वाला था उसमें 634 कैंडिडेट, जिस तरीके से सब कुछ मैंने आपको डाटा बताया विद प्रूफ, आप मैं आपको वन बाई वन आपको PDF भी दिखाऊंगा। आप यहां से इसको देखें किस तरीके की PDF है, जो मैंने कुछ आपको डाटा लेकर एक साथ ही डाटा लिख दिया था, और मैं आपको यदि अलग अलग PDF दिखाता तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा समय लगता। तो अब मैं आपको PDF सभी दिखाऊंगा, आप उसको एक बार नज़र करते जाएं। तो आप यहां से देखें अभी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आप यहां से इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो आप वही पाएंगे जो आपका फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित आपका यहां नोटिस लगा हुआ है। तो जैसे आप इस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जब जाएंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे आपका जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सब कुछ इंडियन एयरफोर्स ने अपना डाटा डाल रखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं 16 मार्च को भी आपका एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया गया था। आप यहां से देख सकते हैं वाई ग्रुप में आपको मैं दिखाऊंगा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो आप यहां से देख पाएंगे जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है 25 फरवरी को जारी की गई थी, और मैंने विद प्रूफ आपको दिखाया भी था, उसमें कुल मिलाकर 391 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे जो आपका इंडियन एयरफोर्स था एक्सेप्ट ऑटो वाला। तो आप यहां से इसको देखें और नेक्स्ट PDF में आपको दिखाऊंगा। तो आप यहां से देखें जो आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो 25 फरवरी को एक और PDF थी, कुल मिलाकर 3 ही PDF जारी की गई थी, उसमें आप यहां से देखें जो IAF सिक्योरिटी वाले हैं उसमें कुल मिलाकर आप यहां से देख पाएंगे 84 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे जो कि सभी स्टैंड बाई में रखे गए थे। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, मैंने जिस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बताया था मैं विद प्रूफ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में आकर यही बोलेंगे तुझे कैसे पता। तो आप यहाँ से इस बात को नोट करें, मुझे ऐसे ही पता है। और ये रहा मेडिकल असिस्टेंट वाला, मेडिकल असिस्टेंट वाले कुल मिलाकर आप यहाँ से देख सकते हैं 74 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे 25 फरवरी। आप यहाँ से इसको डेट को भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं और आप यहाँ से देख पाएंगे कुल मिलाकर 74 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, सभी कैंडिडेट क्या था स्टैंड बाई में रखे गए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कॉल्ड एज स्टैंड बाई। और ये वो वाली PDF है जो 16 मार्च को इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई थी। आप यहाँ से इसको देखें, टेक और नॉन टेक जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वाई ग्रुप होता है उसका जो ट्रेड होता है टेक और नॉन टेक, इसके लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी ली गई है। आपका 1000 प्लस तो इसके लिए वैकेंसी ली गई है, जबकि ओवरऑल इतनी वैकेंसी लेता था। तो आप यहां से देखें कुल मिलाकर 14 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे, जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया था, जिस तरीके से आपको एक डाटा दिखाया था 14 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और जिसमें से कि आप यहां से देख पाएंगे स्टैंड बाई में भी रखे गए थे, मेन में भी रखे गए थे। मेन में 8 कैंडिडेट रखे गए थे जबकि स्टैंड बाई में 6 कैंडिडेट रखे गए थे। अब हम चलेंगे जो कि 25 जनवरी को जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो 2021 को जारी की गई थी, आपका जो 4 PDF मैंने आपको 4 पेज दिखाई थी, उसमें 4 तरीके की वैकेंसी बताई, 634, 640, 100 और करीब करीब एक में 184 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे, उनको देखेंगे। आप यहाँ से देखें तो आप यहां से इसको देख सकते हैं आसानी से, एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक फर्स्ट 2021। आप यहां से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे कॉल्ड एज ऑटोटेक IAF पुलिस, उसमें कुल मिलाकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 634 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से जो कि स्टैंड बाई में रखे गए थे। आपका स्टैंड बाई में मैंने आपको बताया था 50 कैंडिडेट यहीं से स्टैंड बाई में रखे गए थे, जिनका स्टैंड बाई सभी क्लियर हो गया था। तभी तो 25 फरवरी को जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी एडिशनल, उसमें आपका 391 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे इसी ट्रेड के लिए, तभी तो शॉर्टलिस्ट कर दिए गए थे क्योंकि इनका यहाँ से स्टैंड बाई क्लियर हो गया था। आप यहाँ से देखें स्टैंड बाई में जो रखे गए थे कुल मिलाकर 50 कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे।
तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं 54, वही आपका 50 के आसपास कैंडिडेट रखे गए थे स्टैंड वाई में। और अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका, यहाँ से देखें इंडियन एयरफोर्स का जो IAF सिक्योरिटी वाले जो कैंडिडेट मैंने आपको 100 ही बताए थे, आप यहाँ से जब इसको देखेंगे कुल मिलाकर 100 ही कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो देखिए आप यहाँ से इसको देखें, मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और विद प्रूफ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा वाई ग्रुप के लिए 2000 प्लस वैकेंसी ली गई थी, तो इस बार भी आपकी 2000 वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो ये सभी कैंडिडेट क्या था कि मेन में ही रखे गए थे, मेन मेडिकल ड्यू बेसक था लेकिन सभी कैंडिडेट मेन में ही बुलाए गए थे। कोई भी कैंडिडेट यहाँ से जब आप पाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट आपको स्टैंड बाई में नहीं मिलेगा। ये है आपका, यहाँ से देखें जो तीसरे नंबर की PDF मैंने आपको बताई थी, उसमें जो मेडिकल असिस्टेंट वाले थे, मेडिकल असिस्टेंट वाले आप यहाँ से देख पाएंगे। फर्स्ट इनटेक 2021 साथ में इनटेक को भी देखते जाएं, ये ना बोलने बाद में कि दूसरा इनटेक वाला दिखा दिया। तो आप यहाँ से देखें कुल मिलाकर 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे और सभी कैंडिडेट मेन में ही रखे गए थे, आप यहाँ से देख पाएंगे। जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो स्टैंड बाई में रखा गया हो। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक था 2021 वाला, तो आप यहां से देख पाएंगे कुल मिलाकर जो वाई ग्रुप था टेक और नॉन टेक के लिए, उसमें कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे कुल मिलाकर 29 पेज की जब PDF जारी की गई थी उसमें 640 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। कुल मिलाकर 640 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे और कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो कि स्टैंड बाई में रखा गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी कैंडिडेट मेन में ही रखे गए थे। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, मैंने आपको दिखा दिया क्रम वाइज जिस तरीके से। देखिए मेन मेडिकल ड्यू बेसक था, आप यहाँ से देख सकते हैं मेन मेडिकल ड्यू बेसक था, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मेडिकल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में आ गया था, तो इस वजह से उनका जो था आप यहाँ से देख सकते हैं कॉल डेज जो किए गए थे मेन मेडिकल ड्यू में किए गए थे। तो आपके आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा वैकेंसी ली गई थी, मैंने आपको विद प्रूफ आपको दिखा भी दिया है। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप यहां से मुझको कमेंट में आकर बता सकते हैं। तो इस बार आपकी जो वैकेंसी होने वाली है वाई ग्रुप के लिए 2000 प्लस ही होने वाली हैं और आपका इस तरीके से कट ऑफ जाने वाला है सेम ही रहने वाला, 29.25 ही आपका कट ऑफ रहेगा जहाँ तक है, बिल्कुल कन्फर्म है। आप बिल्कुल इस बात की दिक्कत ना लें, आपकी वैकेंसी नव मात्रा में है तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है सेम एज इट ही रहने वाली है जिस तरीके से आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी। तो ये तो रहा वाई ग्रुप का पूरा डाटा, आप यहां से देख सकते हैं और आपका 30 अप्रैल को PSL रिलीज हो जाएगी, उसमें सब कुछ आई थिंक आपके सामने हो जाएगा। और वहीं जो कोई कैंडिडेट एक्स ग्रुप से बिलोंग करता है वो भी यदि चाहे कुल मिलाकर एक्स ग्रुप के लिए पिछली बार आपका जो इंटेक लिया गया है उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है अभी आपका मार्च में ही ज्वाइनिंग हुई है, आपका पिछला मंथ ही देखा जाए तो उसमें ही ज्वाइनिंग हुई थी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट वाले कैंडिडेट की। तो वो भी यदि जानना चाहते हैं कुल मिलाकर एक्स ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसी ली गई थी टोटल, तो वो आप कर कमेंट में बता सकते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। और जो भी कोई कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को यदि पता नहीं है कि PSL किस तरीके से बनती है, एनरोलमेंट लिस्ट किस तरीके से बनती है, तो वो भी कमेंट में आकर बता सकता है, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि PSL और एनरोलमेंट लिस्ट में काफ़ी अंतर होता है, एनरोलमेंट लिस्ट अलग होती है। देखिए जो एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाती है, जो PSL जारी की जाती है, कहीं ना कहीं उसमें अंतर तो होता है। क्या अंतर होता है बता देना, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अधिक लंबी हो रही है, ये था वाई ग्रुप का डाटा। और जो भी कोई कैंडिडेट अपने मन में किसी प्रकार की कोई टेंशन पाल रहा हो कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो देखिए मैंने विद प्रूफ आपको किस तरीके से समझाया, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो आप अपने जो डाउट हैं, उन जो आपके मन में टेंशन हो रही है, तो उस टेंशन को निकाल फेंकें, क्योंकि आज 26 अप्रैल हो चुकी है, तो आज 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो 3 से 4 दिन बाद आपकी जो PSL रिलीज कर दी जाएगी। अभी PSL जो पोस्टपोन होनी है या फिर नहीं होनी है उससे संबंधित कोई भी अपडेट इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो यह डेफिनेटली श्योर है आपकी जो PSL है 30 अप्रैल को ही रिलीज़ की जाएगी। थैंक्स, जय हिंद।